नमस्कार दोस्तों, मैं रवि राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी और आप सभी की जो है बच्चों स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों आज की क्लास थोड़ी सी लेट हुई है क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू जो है वो आ चुका था, जिसकी वजह से भाई आपकी क्लास जो है वो लेट हो रही है। ठीक है, अब मशीनों का कोई भरोसा तो है नहीं बच्चे, चलते चलते कभी भी बंद हो सकती है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ तो उसके लिए बच्चों खेद है। तो आज हम लोग अपना जो है वो नया एक टॉपिक लेकर के आए हैं बच्चों, उसी की आज हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, सब डन है? चलो ठीक है बच्चों, अगर एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो क्या अब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना, अब आवाज क्लियर है, वीडियो सही है, एक बार प्लीज जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए सभी। और आज हम लोग जो टॉपिक लेकर के आए हो ना बच्चे, वो आप सभी के लिए होगा और ये होगा हरियाणा का सिनेमा जगत। ठीक है, कौन सा टॉपिक होगा बच्चे? आज जो टॉपिक होगा वो हरियाणा का सिनेमा जगत होगा बच्चों। सिनेमा जगत, तो एक बार जल्दी से मुझे बच्चों कमेंट करके बताओ। गुड इवनिंग प्रीति, सोनिया नमस्ते जी, सोनी नमस्कार नमस्कार, जल्दी से बाकी और सभी जल्दी कमेंट करके बताओ क्या वीडियो सही चल रही है, आवाज भी क्लियर है क्या? ठीक है, तो चलिए प्यारे दोस्तों आज हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों क्लास का लेट होने का रीजन मैंने आपको बता ही दिया है। तो अब बिना टाइम गवाए अब जल्दी से एक बार अपना टॉपिक को पूरा कर लेते हैं, और जितने भी इस क्वेश्चन से नए क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे जो है मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों सबसे पहला क्या आता है कि हरियाणा का सिनेमा जगत का जो पहला क्वेश्चन बनेगा ना वो ये पूछेगा कि हरियाणा की सबसे पहली फिल्म कौन सी है। ठीक है, हरियाणा की सबसे पहली फिल्म, हरियाणा की सबसे पहली फिल्म, तो बच्चों दो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, हरियाणा की सबसे पहली फिल्म और दूसरा भी यही क्वेश्चन बनेगा कि हरियाणा की सबसे पहली फिल्म। अब दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है? दोनों क्वेश्चन में अंतर ये होगा बच्चों, जो सबसे पहले फिल्म यानी कि 1968 में आई थी बच्चों, कौन सी? धरती। ये थी बच्चों एक डॉक्यूमेंट्री मूवी यानी कि एक लघु फिल्म। हिंदी भाषा में बच्चों कौन सी थी आपकी? डॉक्यूमेंट्री मूवी, है ना, हिंदी भाषा में आपकी डॉक्यूमेंट्री मूवी कह दो या फिर लघु फिल्म कह दीजिए, 1968 के अंदर जो आई थी वो थी धरती मूवी। ठीक है बच्चों, कौन सी आई थी आपकी? धरती। और हरियाणा की पहली फिल्म, और आप सभी को पता है ये 1970 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था प्यारे बच्चों हरफूल सिंह जाट जुलानी। कौन सी थी बच्चों? हरफूल सिंह जाट जुलानी, है ना, तो हरफूल सिंह जाट जुलानी जो है इस मूवी का नाम रहेगा। और ये कब आई थी बच्चों? 1970 के अंदर आई थी, और याद रखना ये किस बोली में थी बच्चों? हरियाणवी बोली में थी, है ना, हरियाणवी बोली, यानी कि हरियाणवी कोई भाषा तो है नहीं प्यारे बच्चों। ये किस में थी पहली फिल्म? हरियाणवी में थी, और ये पहले धरती थी वो हिंदी भाषा की थी। ठीक है, याद रखना ये डॉक्यूमेंट्री मूवी यानी कि क्या थी आपकी? लघु फिल्म बोल सकते हैं हम लोग। और ये थी बच्चों ओरिजिनल फिल्म यानी कि ये आपका 1970 में जो आई थी, कौन सी फिल्म थी? हरफूल सिंह जाट जुलानी। ठीक है, आपको ये बातें याद रखनी है। अच्छा, ये ना आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बने हैं ना वो हरफूल सिंह जाट जुलानी से बने बच्चों। इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि हरियाणवी भाषा में सबसे पहली फिल्म हरियाणा की कौन सी थी? धरती, हरफूल सिंह जाट जुलानी, चंद्रावर या भौरानी। तो बच्चों याद रखना ये कौन सी मूवी हो जाएगी? हरफूल सिंह जाट जुलानी। ठीक है, अच्छा इसके अंदर बच्चों वो क्या पूछ सकता है भाई, इसमें ना निर्देशन कार्य किसने किया था? निर्देशक, निर्देशक कौन था बच्चों इसमें? निर्देशक तो जो थे वो आनंद कुमार थे। कौन थे बच्चों? आनंद कुमार। ठीक है, और निर्माता कौन थे प्यारे बच्चों? इसके अंदर जो निर्माता थे वो निर्माता कौन थे प्यारे बच्चों? याद रखना निर्माता का जो नाम था वो देवी शंकर प्रभाकर था। ठीक है, कौन थे बच्चों? देवी शंकर प्रभाकर। और हरियाणा में लगभग मूवीज के जो निर्माता रहे हैं वो देवी शंकर प्रभाकर ही रहे हैं। ठीक है, कौन रहे बच्चों? देवी शंकर प्रभाकर ही रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। आगे जो है इन्होंने क्या पूछा कि 1973-74 के बीच का जो टाइम पीरियड आता है वहां पर दो मूवीज आती हैं जो कि हरियाणा में बेहतरीन रहती है, कौन कौन सी बच्चों? एक तो आई थी वीर घटोत्कच। कौन सी है बच्चों? एक तो आएगी वीर घटोत्कच। ठीक है, और एक आएगी प्यारे बच्चों वीरा शेरा। एक आएगी प्यारे बच्चों वीरा शेरा। ये दोनों मूवीज जो है प्यारे बच्चों कब आती है? ये दोनों मूवीज जो आती है वो 1973-74 के बीच का टाइम पीरियड जो है उस दौरान इन दोनों मूवीज का आगे। ठीक है, वीर घटोत्कच और वीरा शेरा ये दोनों मूवीज आती हैं। ठीक है, वीर घटोत्कच और वीरा शेरा याद रखना बच्चों कब आई थी? 1973-74 के बीच में ये मूवीज जो है वो आती हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद में देखो बच्चों, उसके बाद में क्या था, यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि हरियाणा की सबसे सफल फिल्म कौन सी हो जाएगी। ठीक है,
अच्छा ये देखो, वीरा शेरा और वीर घटोत्कच मूवी है ना, इनके ऊपर भी क्वेश्चन बना था तुम्हारा। ये पूछेगा वीर घटोत्कच मूवी जो है हरियाणा में कब आई थी, 1973 74 1976 70 के अंदर, या 1981 82, और एक है बच्चों आपका 1969 या 70। तो कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा बच्चों, 1973 74 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, हरियाणा की सबसे सफल फिल्म कौन सी है। ठीक है, हरियाणा की जो है बच्चों सबसे सफल फिल्म जो है इन्होंने पूछ रखी है बच्चों कौन सी है, वो देख लेते हैं। हरियाणा की सबसे सफल फिल्म, हरियाणा की पहली सफल फिल्म, हरियाणा की जो पहली सफल फिल्म है ना प्यारे बच्चों, वो कौन सी है, वो देख लो एक बार। तो प्यारे दोस्तों, हरियाणा की जो पहली सफल फिल्म होगी ना, वो कौन सी। अच्छा एक और पूछेगा, हरियाणा की पहली सफल फिल्म, बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन यही है। ठीक है, कोई चेंज नहीं, हरियाणा की पहली सफल फिल्म। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लेना आप ये क्वेश्चन, कहीं तुम बाद में गड़बड़ करो। हरियाणा की सबसे पहली जो सफल फिल्म होगी ना बच्चों, वो 1983 यानी कि 1983 में आया था, जिसका नाम था बहू रानी। क्या नाम था प्यारे बच्चों, बहू रानी जो फिल्म थी आपकी 1983 में आई थी, यही आपकी क्या थी बच्चों, हरियाणा की सबसे सफल फिल्म मानी गई थी। ठीक है, 1983 में कौन सी आई थी, बहू रानी फिल्म जो आई थी। ठीक है, उसके बाद में देखना बच्चों, उसके बाद में क्या होता है कि ये जो मूवी है ना, इसके अंदर बच्चों अभिनेता थे राकेश कुमार। अभिनेता कौन थे बच्चों, राकेश कुमार। और जो अभिनेत्री थी प्यारे बच्चों, वो कौन थी, सुमित्रा देवी। कौन थी, सुमित्रा देवी, है ना। तो ये इसके अभिनेता और अभिनेत्री थी बच्चों, राकेश कुमार और सुमित्रा देवी। हरियाणा की सबसे जो की पहली फिल्म थी ना बच्चों सफल, वो कौन सी थी, 1983 में बहू रानी आई थी बच्चों। ठीक है, इसीलिए आपसे ये कहा गया है। अच्छा इसके अंदर बच्चों क्या, वो लेखक के बारे में अगर पूछे तो मैंने आपको बताया था लेखक कौन हो जाएंगे, देवी शंकर प्रभाकर। ठीक है, कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों, देवी शंकर प्रभाकर। देवी शंकर प्रभाकर, ठीक है याद रखना। अच्छा सबसे ज्यादा जिस मूवी से क्वेश्चन बनते हैं ना प्यारे बच्चों, वो हो जाएगी हरियाणा की पहली सफल फिल्म, या फिर सर्वाधिक सफल फिल्म बोल सकते हैं हम लोग इसको। क्या बोलेंगे बच्चों, सर्वाधिक सफल फिल्म जो होगी बच्चों, एक तो होती है हिट फिल्म, ठीक है, एक होती है सुपर हिट फिल्म, एक होती है सुपर डुपर हिट फिल्म। तो बच्चों फर्क है ना। तो हरियाणा की सर्वाधिक सफल फिल्म जो थी ना बच्चों, वो थी 1984 के अंदर आई थी, कौन सी, चंद्रावल मूवी। तो 1984 में जो चंद्रावल फिल्म है ना बच्चों, 1984 में चंद्रावल मूवी आई थी, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चंद्रावल मूवी से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, सुनना अब चंद्रावल मूवी से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। देखो बच्चों, इसके अंदर बच्चों जो आपके क्या थे भाई, निर्देशक तथा निर्माता कौन थे, निर्माता और जो बच्चों निर्देशक का काम किया था ना प्यारे बच्चों, वो कौन थे। तो सुनना इसके अंदर वो कौन थे भाई, एक तो देवी शंकर प्रभाकर और दूसरे थे जयंत प्रभाकर, है ना, देवी शंकर प्रभाकर तथा जयंत प्रभाकर थे, जयंत प्रभाकर। ठीक है, देवी शंकर प्रभाकर तथा जयंत प्रभाकर थे। अभिनेता कौन थे बच्चों, अभिनेता थे जगत जाखड़, है ना, अभिनेता कौन थे बच्चों, जगत जाखड़। अब ये जगत जाखड़ जो है ना प्यारे बच्चों, याद रखना ये जो है झज्जर से बिलोंग करते थे, कहां से, झज्जर से, और हरियाणा का रोबिन हुड कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है बच्चों, हरियाणा का रोबिन हुड, यहां पे लिख देता हूं मैं, क्या बोलते थे इनको, हरियाणा का रोबिन हुड बोलते थे प्यारे बच्चों। ठीक है, रोबिन हुड कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, हरियाणा का रोबिन हुड जो है वो जगत जाखड़ को कहा जाता था। उसके बाद में देखना प्यारे बच्चों, यहाँ पे वो पूछता है आपसे अभिनेत्री के बारे में, भाई अभिनेत्री कौन थी। तो प्यारे बच्चों याद रखना, जो अभिनेत्री रहेगी ना, ये अभिनेत्री थी कौन, उषा शर्मा। कौन थी प्यारे बच्चों, उषा शर्मा। और उषा शर्मा का संबंध कहाँ से था प्यारे बच्चों, हिसार से था। ठीक है, उषा शर्मा का संबंध कहाँ से था प्यारे बच्चों, हिसार से था। ठीक है, एक वो कहेगा भी संगीतकार कौन थे, संगीतकार का नाम था बच्चों टीपी कौशिक। कौन थे, टीपी कौशिक। अब ये टीपी कौशिक जो है ना प्यारे बच्चों, टीपी कौशिक, अब ये टीपी कौशिक के बारे में अगर आपसे पूछे कि टीपी कौशिक जो है, ठीक है, तो ये टीपी कौशिक जो रहेंगे प्यारे बच्चों, याद रखना ये टीपी कौशिक जो है ना वो रोहतक के रहने वाले हैं, और ये क्या थे बच्चों, संगीतकार थे, कहाँ के,
चंद्रावल फिल्म की। और चंद्रावल फिल्म के अंदर ना बच्चों एक बात याद रखना कि हरियाणा की संस्कृति, इनकी पहले हरियाणा कैसे था, वो सारा का सारा दृश्य जो है इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। ठीक है, तो आप सब जो है अगर आपने नहीं देखे तो एक बार जरूर देखना, बहुत अच्छी मूवी है चंद्रावल मूवी। ठीक है, इसके अंदर जितने भी सॉन्ग बने हैं ना वो बहुत प्यारे वो है भाई, सारे के सारे बच्चों बहुत प्यारे हैं और मीनिंगफुल सॉन्ग था। ठीक है, चंद्रावल फिल्म 1984 के अंदर। अब बच्चों इसके अंदर और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों, इसके अंदर ना बच्चों दो किरदार थे और हम सब जानते हैं बच्चों, एक का नाम था रूंडा और एक का नाम था फुंडा, है ना। तो रूंडा और फुंडा बच्चों ये दो नाम थे, बड़े प्रसिद्ध नाम थे। और उसके बाद में ना इस मूवी के अंदर जो रूंडा फुंडा नाम थे ना हरियाणा में बड़े प्रसिद्ध थे, और लगभग हरियाणा के हर एक गांव में रूंडा फुंडा नाम से जो व्यक्ति मिल जाते हैं, जैसे आज के टाइम पे काड़ू नाम का जो है ना सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे बच्चों रूंडा और फुंडा नाम से जो थे व्यक्ति वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है ना। तो देखो अब इस मूवी से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, देखो भाई, ठीक है, देखना भाई क्या हो जाएगा। इसने पूछा कि रूंडा जो है इनका संबंध कहाँ से है, रूंडा का जो संबंध है ना प्यारे बच्चों, इनका रूंडा का संबंध जो है बच्चों, इनका नाम क्या था, नसीब सिंह कुंडू। नाम क्या था बच्चों, नसीब सिंह कुंडू इनका नाम था। और इनका संबंध जो है बच्चों कहाँ से, टिटोली रोहतक से था। ठीक है, टिटोली गांव में बच्चों कहाँ पर, रोहतक का, वहीं से था टिटोली। तो टिटोली रोहतक से संबंध था किनका भाई, नसीब सिंह कुंडू का। और खुंडा का किताब जो निर्भया था बच्चों वो दरिया सिंह मलिक थे। ठीक है, कौन थे, दरिया सिंह मलिक। और इनका जो संबंध था प्यारे बच्चों वो कहाँ से था, इनका संबंध था पानीपत से। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से था प्यारे बच्चों, पानीपत से जो है इनका संबंध था। ठीक है, अब इसके अंदर ना एक क्वेश्चन और पूछेगा कि चंद्रावल मूवी के अंदर किन तीन जातियों का जो है वर्णन है, यानी कि कौन सी तीन जाति जो है ना बच्चों इस फिल्म के अंदर जो है मूवी के अंदर बार बार जिनका जिक्र हुआ है, तो वो थी बच्चों एक तो जाट, ठीक है, एक राजपूत और एक बच्चों लोहार। ठीक है, तो इन तीन जातियों का जो है बच्चों वर्णन बार बार इस फिल्म में जो है किया गया, ये फिल्म जो है इन तीन जातियों के ऊपर क्या है बच्चों निर्भर करती है। ठीक है, तो सुन लेना प्यारे बच्चों, यहां से क्वेश्चन जो है ना लगभग कौन सी मूवी से बने प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बने आपके चंद्रावल फिल्म से, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बने ना प्यारे बच्चों किससे बने, चंद्रावल मूवी से। तो देखो बच्चों हमने क्या किया, देख रहा क्वेश्चन एक जैसे है बच्चों, देखो हरियाणा की सबसे पहली फिल्म सब, ठीक है, और हरियाणा की सबसे पहली फिल्म, क्वेश्चन दोनों एक जैसे हैं, लेकिन भाई पहले ऑप्शन डिपेंड देखना पड़ेगा भैया, ऑप्शन क्या क्या दे रखे, उसने ऑप्शन दे दिया क्या बच्चों, जैसे क्वेश्चन क्या था, हरियाणा की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी, ऑप्शन में बच्चों धरती भी दे रखा है, और मतलब धरती दे रखा है, हरफूल सिंह जाट जुलानी नहीं है, तो सीधी सी बात है कौन सा हो जाएगा, धरती हो जाएगा। अगर उसने क्वेश्चन दिया हरियाणा की सबसे पहली फिल्म कौन सी है, अब की बार धरती ऑप्शन में नहीं दिया बल्कि क्या ऑप्शन दे दिया, हरफूल सिंह जाट जुलानी ऑप्शन दे दिया बच्चों, तो कौन सा सही हो जाएगा अपना, तो हरफूल सिंह जाट जुलानी है ना बच्चों, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अब क्वेश्चन क्या दे दिया, हरियाणा की पहली फिल्म, ऑप्शन में आपका धरती भी दे रखा है और हरफूल सिंह जाट जुलानी भी दे रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो सीधी सी बात है बच्चों हरियाणा की, उसने ये तो नहीं कहा ना हरियाणवी बोली में पहली फिल्म या हिंदी भाषा में पहली फिल्म, ऐसा कुछ नहीं बोला, तो सबसे पहली फिल्म है कौन सी, वैसे लैंग्वेज को भी छोड़ दो भाई, लैंग्वेज का कोई चक्कर नहीं है, फिर कोई क्वेश्चन नहीं बना, सीधा पूछा हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी है, तो सीधी सी बात है पहली फिल्म 1968 में ये कौन सी है, धरती। ठीक है, अगर वो ये कहे हरियाणा में हिंदी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है तब भी धरती आएगा, अगर ये कहे कि हरियाणा की हरियाणवी भाषा में जो पहली फिल्म बनी थी वो कौन सी है, तब आपका आंसर चेंज होगा हरफूल सिंह जाट जुलानी 1970 में, क्योंकि ये जो मूवी है वो हरियाणवी बोली में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। वीर घटोत्कच और वीरा शेरा ये दोनों मूवी बच्चों कब आई थी, 1973 और 74 के बीच में जो है ये दोनों मूवीज आई थी। ठीक है, इसी तरह प्यारे बच्चों आपका जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा क्या, हरियाणा की पहली सफल फिल्म, हरियाणा की पहली सफल फिल्म, दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो हरियाणा की सबसे जो पहली सफल फिल्म थी ना बच्चों वो बहू रानी थी, 1983 के अंदर आई थी। ठीक है, इसमें राकेश बख्शी और सुमित्रा कुमार, सुमित्रा देवी ने क्या किया था बच्चों, इसमें अभिनेता और अभिनेत्री का रोल जो है प्ले किया था, लेखक देवी शंकर प्रभाकर थे। अब बच्चों इसके अंदर जो ये पूछे ना कि हरियाणा की सर्वाधिक सफल फिल्म कौन सी है, तो सर्वाधिक सफल फिल्म की अगर बात की जाए बच्चों वो चंद्रावल हो जाएगी, और चंद्रावल से तुम्हारे ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुरानी से भी इतने क्वेश्चन नहीं बनते जितने चंद्रावल मूवी से बनते हैं, तो अभी तक ना बच्चों जितने भी एग्जाम हुए जब भी फिल्मों से क्वेश्चन बने हैं तो लगभग चंद्रावल मूवी से एक क्वेश्चन पक्का बना ही बना है, कभी संगीतकार का नाम पूछे तो कभी अभिनेता, कभी निर्माता या निर्देशक के नाम पूछे हैं। तो सुनो भाई, हरियाणा की पहली सफल फिल्म की बात करें तो वो बहुरानी हो जाएगा, 1983 में आया था। हरियाणा की पहली सर्वाधिक सफल फिल्म की बात करें या हरियाणा की जो है सर्वाधिक सफल मूवी जो कौन सी हो जाएगी बच्चों, चंद्रावल, बाय चांस वो ये पूछ रहे हरियाणा की सफल फिल्म कौन सी है, चंद्रावल भी ऑप्शन में, बहुरानी भी ऑप्शन में,
तो हरियाणा की सफल फिल्म उसने पूछा। तो बच्चों सबसे पहले सफल हुई कौन सी थी, सबसे पहले आई कौन सी थी, भवरानी आई थी, ठीक है। और सर्वाधिक सफल फिल्म की बात की जाए तो तब कौन सा हो जाएगा आंसर, चंद्रावल मूवीज हो जाएगा, ठीक है। देखो हरियाणा की सर्वाधिक सफल फिल्म जो थी वो आपकी चंद्रावल मूवी है, 1984 के अंदर आई थी बच्चों। कब आई थी, 1984 में। निर्माता और निर्देशक थे देवीशंकर प्रभाकर और जयंत प्रभाकर। अभिनेता जगत जाकर थे बच्चों, हरियाणा का रोबिन हुड कहा जाता है। अभिनेत्री उषा शर्मा थे जिनका संबंध हिसार से था। संगीतकार टीपी कौशिक साहब थे जिनका संबंध रोहतक से था, ठीक है। रुंडा उरकुंडा बच्चों बड़े ही प्रसिद्ध नाम है आपके हरियाणा के, नसीब सिंह कुंडू रुंडा थे। उरकुंडा का किरदार निभाया था दरिया सिंह मलिक। रोहतक से थे नसीब सिंह और दरिया सिंह कहां से थे, पानीपत से। और ये किस जाति पर डिपेंड है बच्चों, फिल्म जाट राजपूत और लोहार, ठीक है, तो लाहौर सॉरी लोहार। तो इन तीनों जातियों का वर्णन इस फिल्म में बार बार जो है वो मिलता है, ठीक है। चलो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इन्होंने पूछा है क्या छेल गेलिया जांगी मूवी कब आई थी। छेल गेलिया जांगी, तो भाई छेल गेलिया जांगी, तो ये एक वर्ड है छेल, है ना, छेल गेलिया जांगी। तो भाई ये मूवी जो आई थी याद रखना 1985 में आई थी। कब आई थी, 1985 में। छेल गेलिया जांगी जो फिल्म है ना प्यारे बच्चों, ये कब आई थी, 1985 के अंदर जो है वो आई थी। देखो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, हरियाणा की पहली फिल्म जिसे क्या मिला बच्चों, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। देखो भाई हरियाणा की पहली फिल्म, हरियाणा की पहली फिल्म जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, तो हरियाणा की पहली फिल्म जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, तो प्यारे बच्चों याद रखना ये थी कौन सी मूवी थी, लाडो मूवी, है ना। तो हरियाणा की पहली फिल्म जो थी वो लाडो थी, जिसको 2000 में क्या मिला प्यारे बच्चों याद रखना, राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो दिया गया था, ठीक है। हरियाणा की दूसरी फिल्म जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया बच्चों, तो याद रखना ये थी पगड़ी द ओनर, ठीक है। कौन सी थी बच्चों, पगड़ी दी ओनर। तो बच्चों ये जो मूवी है ना वो ओनर किलिंग के ऊपर डिपेंड करती है ना, किसके ऊपर है, ओनर किलिंग के ऊपर डिपेंड करती है। और इसको 2016 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, ठीक है। कौन से, पगड़ी द ओनर। यानी कि पहले क्या थे, गांव के अंदर जो है ना बड़े बुजुर्ग बैठे रहा करते थे पीपल के पेड़ के नीचे, पंचायत जो है ना बच्चों, जहां पर पंचायत लगती तुम्हारी है ना, जो पेड़ के नीचे बैठ के वो ताश खेलते या फिर बात करते रहते। गांव में कोई भी नया व्यक्ति आता तो सबसे पहले वो पहचान लेते भाई ये गांव का है या नहीं है, उनको सारी नॉलेज होती थी। तो अब क्या आ गया बच्चों, उनकी नाक के नीचे से मोबाइल नाम का एक जो है वो वायरस आ चुका है, जिससे क्या करते हैं वो बातें करते हैं, ठीक है। और बड़े बुजुर्गों की कोई इज्जत तो अब तो फिलहाल नहीं रही है जितनी पहले थी, ठीक है। तो अब वो सारे के सारे जो ऑनलाइन काम होते हैं उसके बाद में फिर ये घर से जाते हैं या भाग जाते हैं, तो फिर बाद में वो ओनर किलिंग का जो है वो केस सामने आता है। तो कुछ इस तरीके की ये मूवी है बच्चों। तो ये देखना भाई, पगड़ी द ओनर मूवी को 2016 में क्या मिला था, राष्ट्रीय पुरस्कार। और लाडो मूवी है ना बच्चों, इसको का मिला 2000 में, ठीक है। ये दोनों मूवीज को आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली फिल्म कौन सी थी, ठीक है। भारत की पहली फिल्म तो जो थी बच्चों वो कौन सी थी, तो याद रखना भारत की पहली फिल्म बच्चों कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, भारत की पहली 3D फिल्म, ये 2016 में क्वेश्चन आया था। अब की भारत की पहली 3D फिल्म, ये क्वेश्चन बच्चों आया था 2016 में, भारत की पहली 3D मूवी, ये क्वेश्चन बच्चों आपका जो है वो आया था 3D फिल्म, तो कौन सी हो जाएगी बच्चों, ये थी आपकी माई डियर कुट्टी चाचा। कौन था बच्चों, माई डियर कुट्टी चेतन, चातन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटे, कुट्टी चातन। तो प्यारे दोस्तों याद रखना कि हरियाणा की जो पहली 3D फिल्म थी वो कुट्टी चातन, कहने का मतलब कि एक बच्चा होता है, ठीक है, जिसके पास जादुई शक्तियां होती हैं, ठीक है, और उसके तीन चार जो है अन्य दोस्त भी होते हैं, तो वो उसी के ऊपर फिल्म बेस्ड है, ठीक है। माई डियर कुट्टी चातन 2016 कॉन्स्टेबल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी थी बच्चों, माई डियर कुट्टी चातन, ठीक है, कर लोगे ना। भारत की अगर पहली डांस फिल्म की बात की जाए, भारत की पहली डांस फिल्म कौन सी थी, तो भारत की पहली डांस फिल्म जो रहेगी प्यारे बच्चों वो कौन सी हो जाएगी, पहली डांस फिल्म, तो ये हो जाएगी बच्चों कौन सी, ABCD, यानी कि एनी बडी कैन डांस, है ना। तो ABCD जो है ना प्यारे बच्चों ये हो जाएगी आपकी भारत की पहली डांस फिल्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की पहली टेक्निकल फिल्म कौन सी है, भारत की पहली टेक्निकल फिल्म, भारत की पहली टेक्निकल फिल्म किसे घोषित किया गया, पहली टेक्निकल, तो भारत की पहली टेक्निकल मूवी जो है ना बच्चों वो किसको घोषित किया, झांसी की रानी। कौन सी बच्चों, झांसी की रानी मूवी जो है ना बच्चों उसके अंदर जो है क्या किया गया बच्चों, झांसी की रानी मूवी को जो है भारत की पहली टेक्निकल फिल्म जो है वो घोषित किया, झांसी की
रानी, यानी कि जो मूवी है वो रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर जो है वो बनाई गई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो झांसी रेलवे स्टेशन है बच्चों, उसका नाम भी चेंज कर दिया, उसका नाम क्या कर दिया, रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन जो है वो किया गया, ठीक है। तो झांसी रेलवे स्टेशन था उसका नाम भी चेंज कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, हो गया। बस 2 मिनट और दे दो भाई, बस एक क्वेश्चन और करवाता हूँ लास्ट, बस लास्ट एक ही क्वेश्चन है बस, ठीक है। जंगल बुक फिल्म में बच्चों मोगली का किरदार निभाने वाले नील सेठी, तो आपने एक मूवी देखी है बच्चों, कौन सी, जंगल फिल्म है ना, जंगल बुक। इसके अंदर क्या हुआ था, एक मोगली नाम का व्यक्ति जो लड़का था बच्चों, ये सिरसा के थे, कहां से, सिरसा के थे, और इनका नाम क्या था, नील सेठी नाम था बच्चों, क्या था, नील सेठी नाम था, ठीक है। तो याद रखना भाई, मोगली जंगल बुक फिल्म में मोगली ने जो काम किया था वो नील सेठी सिरसा के रहने वाले, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही बच्चों, ये थे आपके हरियाणा के फिल्म जगत के क्वेश्चन थे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आई। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू टू ऑल, टेक केयर गाइस, जय हिंद जय भारत।